अल्मोड़ा के विश्वनाथ घाट में बना वन विभाग का टाल प्रशासन की अनदेखी के चलते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। टाल के क्षतिग्रस्त होने से लोगों को शवदाह करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टाल के क्षतिग्रस्त होने से वन विभाग द्वारा शवदाह के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली लकड़ियों को खुले में रखा जा रहा है, जिस कारण वर्षा के दौरान लकड़ियां पूरी तरह भीग जाने से लोगों को शवदाह करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को शवदाह करने में पेट्रोल डीजल का सहारा लेना पड़ता है। वहीं शवदाह को लेकर वन विभाग द्वारा मिलने वाली लकड़ियों की भी भारी कमी बनी रहती है। वहाँ पे शवदाह के जो छत है, जहाँ पर जो डिपो है उनका, वन निगम का, वो बिल्कुल टूट चुका है और उसकी छत नीचे आ चुकी है। वहाँ पर जो मुहगिल कार्य करता है उसके लिए भी व्यवस्था कुछ नहीं है, लकड़ी पूरी गीली हो चुकी है वहाँ पर, और इसमें वन निगम ने उसको ध्यान देना चाहिए उसको बनाने के लिए। और गीले होने से शवदाह में शव को जलाने में काफ़ी परेशानी होती है, नहीं तो वहाँ मटेरियल और उसकी व्यवस्था करनी पड़ जाना पड़ता लोगों को। अरे जो हमारा विश्वनाथ शमशान घाट का जहाँ शवदाह होता है, वहाँ जो टीन सेट वन विभाग का बना है वो काफ़ी समय से टूटा पड़ा है, जिससे वहाँ लकड़ियाँ सारी गीली हो जाती हैं और वहाँ शवदाह करने में वो जल नहीं पाती, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। और जो वहाँ कर्मचारी है उसकी बैठने की भी उचित व्यवस्था नहीं है। हम प्रशासन और वन विभाग से निवेदन करते हैं कि उसे तुरंत ठीक किया जाए, बनाया जाए, जिससे कि शवदाह में कोई परेशानी ना हो। स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है, वहाँ पर टीन सेट ऊपर से उखड़े हुए हैं उसके, जिससे बरसात आदि में पानी आनी टपकता है ऊपर से, लकड़ियाँ इतनी सारी, एक तो सूखी हुई लकड़ियाँ हैं और ऊपर से पानी पड़ के वो गीली हो गए, फिर वो सड़ गल रही हैं और उससे काफ़ी शवों को जलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, और अपने घर से ही संसाधनों से कर रहे हैं वहाँ व्यवस्था। प्रशासन ध्यान दे इसमें, एक तो शवदाह में जो 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 मतलब जहाँ उनका डिपो बना हुआ है उसका जरा सेड एड की व्यवस्था ठीक करवाएं, जो है प्रशासन से यही हुआ है, और उससे जिससे मतलब लकड़ियाँ वो रहें, सुरक्षित रहें। इसमें आप लोग ये समस्या को हमें सम्मुख लेकर आए, इसमें हम लोग SDM और फॉरेस्ट की जॉइंट रिपोर्ट मंगवा लेते हैं और जो भी जहाँ से भी संसाधन इसको हमको पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार के लिए हम लोग को चाहिए तो उसको हम तत्काल इसको प्रोवाइड कराते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है और इसमें जो भी फॉरेस्ट विभाग की भी जिम्मेदारी होगी उसको भी चिन्हित किया जाएगा। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए अल्मोड़ा से अमित उप्रेती की रिपोर्ट।